नमस्कार आदाब दोस्तों, वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा तरीन बड़ी खबरें जानने का। तो दोस्तों जानेंगे एक एक खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हमारी छोटी सी अपील है कि हमें वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसीलिए आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों बढ़ते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा फैसला, पार्टी के सभी विभाग और प्रकोष्ठ के भंग। दोस्तों पेट्रोल डीजल के रेट घटे लेकिन माल भाड़ा में बढ़ोतरी, आज अलीगढ़ में इस भाव बिक रहा तेल। दोस्तों अमरनाथ यात्रा, अब तक 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, पवित्र गुफा के पास आज बारिश के आसार। दोस्तों जल शक्ति मंत्री के इस्तीफे देने की खबर से समर्थकों में मायूसी फैल गई है। दोस्तों डंपर चालक की गिरफ्तारी से खुलेंगे अवैध खनन के राज, विजय का हुड्डा पर निशाना। दोस्तों आज ईडी के सामने सोनिया गांधी के पैसे, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टी करेंगी विरोध, पुलिस अलर्ट हो गई है। दोस्तों आज मिलेगा देश को अगला राष्ट्रपति, नतीजे से पहले जश्न की तैयारियां शुरू कर दी गई। बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से, लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें, ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों पहली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा फैसला, पार्टी के सभी विभाग और प्रकोष्ठ के भंग। दोस्तों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकंपा के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी के सभी विभागों और प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। राकंपा के एक वरिष्ठ नेता ने बुधवार को ये जानकारी दी। दोस्तों राकंपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने ट्वीट किया, राकंपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के अनुमोदन में सभी विभाग और प्रकोष्ठ तत्काल प्रभाव से भंग किए जाते हैं। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री पटेल ने इस अचानक उठाए गए कदम के कारण खुलासा नहीं किया है। जहाँ दोस्तों की बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें पेट्रोल डीजल के रेट में घटे लेकिन माल भाड़े में बढ़ोतरी कर दी गई, आज अलीगढ़ के इस भाव बिक रहा तेल। दोस्तों उत्पाद शुल्क बढ़ाने के बाद से अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, इससे वाहन कम मालिकों को राहत मिली है, लेकिन खाद्य पदार्थों में महंगाई अभी भी बरकरार है, इससे लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। अब खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगने से आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। दोस्तों सीएनजी के रेट भी बढ़ रहे हैं, निजी और सरकारी तेल कंपनियों ने भी तेल की आपूर्ति कम कर रखी है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों बीते कई माह से रूस में यूक्रेन युद्ध के बीच युद्ध चल रहा है, जिसके चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। अमेरिका ने यूक्रेन का समर्थन करते हुए रूस पर तमाम आर्थिक पाबंदियां लगा दी हैं, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखने को मिल रहा है। 6 माह पहले तक 80 से 100 डॉलर प्रति बैरल कच्चा तेल क्रूड ऑयल अब 130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। वहीं महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने 21 मई को पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क घटा दी थी, इससे लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों में ब्रेक लग गया, इससे कीमत 6 से 9 रुपये प्रति लीटर तक घट गई है। दोस्तों कंपनियों का दावा है कि महंगे कच्चे तेल की खरीद में सरकार की कीमतों के लगाम से 28 रुपये प्रति लीटर डीजल व 21 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल घटे हैं। दोस्तों जो तेल कंपनियां पंप मालिकों पर सेल बढ़ाने के लिए दबाव बनाती थी, वे अब बिक्री कम करने के लिए शिकंजा कस रही हैं। दोस्तों निजी कंपनियों ने तो आपूर्ति देना ही बंद कर दिया है। एसआर के जिले में 32 पंप हैं, इनमें आधे से ज्यादा पंप रिफाइनरी से तेल की आपूर्ति न मिलने से बंद ही हैं। दोस्तों बीपीसीएल वे एचपीसीएल की पंपों को सप्लाई आधी भी नहीं दी जा रही है, कम सप्लाई वाले कम पंपों को तेल नहीं दिया जा रहा, इनके स्टॉक पर निगरानी रखी जा रही है। दोस्तों बीते दिनों उत्पाद शुल्क घटाने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई थी, इससे महंगाई की मार झेल रहे लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दोस्तों खास बात तो ये है कि पेट्रोल डीजल के दाम पर तो कम हुए हैं, मगर महंगाई बरकरार है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों गुरुवार को अलीगढ़ में पेट्रोल 96 रुपये 73 पैसे, डीजल 89 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। दोस्तों यदि आप अपने वाहन की टंकी फुल कराना रहे हैं तो ये पहले जानने की अलीगढ़ में पेट्रोल डीजल व सीएनजी के रेट आखिर क्या हैं। हालांकि तेल कंपनी ने कोई दबाव नहीं किया है, रेट जस के तस है। अलीगढ़ में गुरुवार को पेट्रोल 96 रुपये 73 पैसे तथा डीजल 89 रुपये 88 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। दोस्तों सीएनजी 87 रुपये किलो है। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। दोस्तों खाद्य सामग्री में महंगाई ने लोगों को परेशान कर रखा है, इसे लेकर लोगों में चर्चाएं भी हैं कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े तो हर चीज़ें के दाम बढ़ा दिए गए,
लेकिन जब इनके दाम घटे तो अन्य चीजों में दाम क्यों नहीं घटाई गई। उत्पाद शुल्क घटने के बाद पेट्रोल 9.50 रुपए प्रति लीटर तथा डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया। आज अलीगढ़ में अब पेट्रोल के दाम 96.73 रुपए तथा डीजल 89.88 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। दोस्तों 22 मार्च से पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि होना अनिवार्य है। प्रतिदिन इनमें वृद्धि होती आई। 6 अप्रैल को पेट्रोल 105.43 रुपए तथा डीजल 96.95 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था। तब से अब तक 21 मई तक यही स्थिति बनी हुई थी। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि से महान स्वामी परेशान थे। पेट्रोल में डीजल के दामों को लेकर प्रदर्शनी होने लगे थे। अब उत्पाद शुल्क घटाने के बाद इनके दामों में एक बार फिर से कमी आ गई है। दोस्तों रामगढ़ रोड स्थित उमा ऑटोमोबाइल्स के संचालक मोहित माहेश्वरी ने बताया कि पेट्रोलियम कंपनी सुबह 6 बजे तक पेट्रोल डीजल के दाम निर्धारित करती है। ये ऑटोमेटिक पेट्रोल पंपों पर लगी मशीनों पर आ जाते हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अमरनाथ यात्रा पर अब तक 2.25 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। पवित्र गुफा के पास आज बारिश के आसार। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्ग से होते हुए बुधवार को 9,500 तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए। दोस्तों अधिकारी सूत्रों ने बताया कि आज करीब 11 बजे 4,269 श्रद्धालुओं ने गुफा में हिमशिवलिंग की पूजा अर्चना की। अमरनाथ यात्रा 30 जून शुरू हुई। अब तक 2,25,000 श्रद्धालु भोले शंकर के दर्शन करने चुके हैं। दोस्तों दक्षिण कश्मीर में नुनवाह पहलगांव आधार शिविर और गदरबाल जिले में देमूल के सबसे छोटे मार्ग बालटाल का मौसम शुष्क और साफ होने के कारण तीर्थयात्रियों को इस मार्ग से जाने की अनुमति दे दी गई है। बहरहाल बुधवार को रवाना हुए अमरनाथ तीर्थयात्रियों का नया जत्थे में 1,103 महिलाओं 47 साधुओं और 44 बच्चों सहित 3,719 श्रद्धालु शामिल हैं। दोस्तों आज सुबह बालटाल से 2 मील होते हुए अमरनाथ गुफा की यात्रा के लिए रवाना हुए। इन तीर्थयात्रियों में से 566 और बालटाल आधार शिविर से अमरनाथ गुफा मंदिर में सर दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा ले जाया गया और बुधवार को पहलगांव में पारंपरिक नुनवान आधारित शिविर की दक्षिण कश्मीर में चंदनवारी और पंजतुरी मार्ग से 5,000 से अधिक नए जत्थों को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी गई। दोस्तों कश्मीर की एक स्वतंत्र मौसम वेधशाला ने बुधवार को पहलगाम चंदनवारी जोजीवल एमजी टोप शेषनाग पोषपंत्री और पंचतरणी संगम और पवित्र गुफा के आसपास बारिश की चेतावनी दे दी गई है। इसी तरह और बालटाल मार्ग से बालटाल दुमेल ब्रीमर्ग संगम और पवित्र गुफा में दोपहर के आसपास बारिश होने के आसार जताए गए हैं। जहाँ दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें आज जल शक्ति मंत्री के इस्तीफे देने की खबर से समर्थकों में मायूसी छा गई है। दोस्तों मवाना जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खट्टी के इस्तीफे की सूचना से उनके समर्थकों की मायूसी छा गई। समर्थक दिन भर एक दूसरे को फोन कर सारी जानकारी लेते रहे। वहीं कुछ समर्थकों ने दलित समाज की अनदेखी पर भी रोष जताया है। दोस्तों जल शक्ति राज्य मंत्री के इस्तीफे को लेकर क्षेत्र के दिन भर चर्चाएं होती रही। क्षेत्र लोग एक दूसरे से जानकारी करने के लिए फोन पर मिलाते रहे। किसी समर्थक का मंत्री से रात तक संपर्क नहीं हो पाया। दोस्तों हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक नहीं चुने गए दिनेश खट्टी को प्रदेश सरकार में दूसरी बार राज्य मंत्री बनाया गया। मिथक है कि हस्तिनापुर विधानसभा से जिस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतता है वो प्रदेश में उसी की सरकार बनती है, इसलिए सभी पार्टियों के नेताओं की नजर इसी सीट पर रहती है। सभी अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जीतने का प्रयास करते हैं। इस बार लगातार दूसरी बार दिनेश खट्टी यहाँ से विधायक बने, उन्हें जल शक्ति राज्य मंत्री बनाया गया। क्षेत्र में मंगलवार की देर रात से राज्य मंत्री दिनेश खट्टीक द्वारा इस्तीफे दिए जाने की चर्चा तेजी से फैल रही है। वहीं पार्टी कार्यकर्ता भी एक दूसरे से फोन कर जानकारी लेने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जहां दोस्तों अपनी बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें डंपर चालक की गिरफ्तारी से खुलेंगे अवैध खनन के राज, बिजली का हुड्डा पर निशाना। दोस्तों मेवात के नूह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या के मामले में आरोपी डंपर चालक को गिरफ्तार किए जाने के बाद पूरे मामले में पर्दा उठने और अवैध खनन के बड़े राज के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि डंपर चालक को गिरफ्तार करने के बाद अब जल्द ही इस मामले में शामिल अन्य लोगों को पकड़ लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने इस घटना को लेकर विरोधी दलों के नेताओं पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने खासतौर पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। अनिल विज ने बताया कि डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई की हत्या के मामले में आरोपी डंपर चालक को हरियाणा पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के गंगा घोरा गाँव से गिरफ्तार किया है। इससे पूछताछ के बाद इस मामले में शामिल अन्य लोगों को भी शिकंजे में लिया जाएगा। दोस्तों नूह में डीएसपी हत्याकांड के संबंध में विज ने कहा है कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरे व्यक्ति को भी पुलिस ने घेरा हुआ है और जल्द ही उसे भी काबू कर लिया जाएगा।
दोस्तों पुलिस छानबीन कर रही है और घर घर जाकर जांच की जा रही है। इस कार्य के लिए 3 कंपनियां लगा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ऑपरेशन क्लीन चला रही है। हरियाणा और पंजाब में बढ़ रहे गैंगस्टर के संबंध में विज ने कहा है कि हरियाणा में गैंगस्टर की कोई बड़े स्तर की गतिविधियां नजर नहीं आ रही। हमारी पुलिस पूरी तरीके से चौकस है और हम सभी तरीके से निगरानी रख रहे हैं। दोस्तों पंजाब की पुलिस ने बुधवार को मुठभेड़ में बदमाशों को मार गिरा कर अच्छा मुकाबला किया था। जहां दोस्तों की बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें आज मिलेगा देश को नया राष्ट्रपति। नतीजों से हुए जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 21 जुलाई यानी आज ये पता चल जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति आखिर कौन बनेगा। दोस्तों देश भर के 31 मतदान केंद्रों पर हुए मतदान के बाद बैलेट बॉक्स दिल्ली पहुंच गए हैं, जिसके बाद दिल्ली में 21 जुलाई को बैलेट बॉक्स की गिनती होगी। बता दें कि 18 जुलाई को हुए राष्ट्रपति पद के लिए मतदान में 99% से अधिक मतदान हुए थे। एनडीए ने इस बार झारखंड की पूर्व राज्य मंत्री और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं पक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया। ऐसा माना जाए कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन रजक के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का इस चुनाव में जीतना तय है। चुनाव जीतने के बाद मुर्मू भारत के सर्वोच्च पद पर निर्वाचित होने वाली पहली आदिवासी महिला बन जाएंगी। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू की जीत का जश्न मनाने के लिए दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय से लेकर राजपथ तक रोड शो किया जाएगा। दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गाँव उड़ीसा के राय रंगपुर में भी उनकी जीत की घोषणा के पहले ही विजय जुलूस निकालने की तैयारी हो रही है। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद मिठाइयां बांटने की तैयारी हो रही है। बता दें कि सुबह 11 बजे से संसद भवन में मतों की गिनती शुरू होगी। दोस्तों बता दें कि 24 जुलाई को भारत के मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसके बाद चुनाव जीतने के वाला उम्मीदवार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जगह लेंगे। इस बार के लिए राष्ट्रपति चुनाव में कुछ सांसद स्वस्थ हुए निजी कारणों के मतदान नहीं किए थे। इससे भाजपा के सांसद सहित दूसरे अन्य पार्टियों के सांसद भी शामिल थे। जहां दोस्तों की बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें आज ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टी करेंगी विरोध, पुलिस अलर्ट हो गई है। दोस्तों आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस के पूछताछ के लिए फिर से ईडी द्वारा तलब किया गया है। पूछताछ के लिए आज भी ईडी से दफ्तर कर पहुंचेंगी। वहीं इसके विरोध में कांग्रेस फिर से सड़क पर विरोध प्रदर्शन करेगी।